नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। बीसीसीआई का खिलाड़ियों को फरमान, विश्व कप में पत्नी गर्लफ्रेंड के साथ रहने पर रोक, विराट की मांग को बोर्ड ने किया खारिज, अब परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे खिलाड़ी। विश्व कप से पहले बीसीसीआई का बड़ा फैसला, 30 मई से इंग्लैंड में शुरू होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 को देखते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई के फैसले के मुताबिक खिलाड़ी टूर्नामेंट के पहले 20 दिन तक पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रह पाएंगे। हालांकि 20 दिन बाद खिलाड़ी अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हैं। आपको बता दें कि कप्तान विराट कोहली ने विश्व कप के दौरान परिवार को साथ रखने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बोर्ड ने इस टूर्नामेंट के लिए नियम में बदलाव कर दिया है। 1.5 महीने तक चलने वाले क्रिकेट के इस महाकुंभ में सिर्फ 15 दिनों तक ही खिलाड़ियों को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति होगी। मोइन अली के चलते हमने गंवाया मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ नजदीकी मुकाबले में हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक का कहना है कि मोइन अली ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे टीम जीत से दूर चली गई। कार्तिक ने कहा कि बेंगलोर की जीत का श्रेय मोइन अली को जाता है जिन्होंने बेहतरीन शॉट खेले। इस मुकाबले में जहां बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने 58 गेंद में 100 रन बनाए तो वहीं मोइन अली ने 28 गेंदों में 66 रन की पारी खेली। जवाब में कोलकाता की टीम 5 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रसेल तैयार, इंडिया प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे सफल बल्लेबाज आंद्रे रसेल का धमाकेदार अर्धशतक भी टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ हार से नहीं बचा सका। 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम ने 79 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद रसेल क्रीज पर आए और 25 गेंद पर 65 रन की धमाकेदार पारी खेली। मैच के बाद रसेल ने टीम के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने की इच्छा जताई। रसेल ने कहा कि अगर टीम चाहेगी तो मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए तैयार हूँ। रहाणे ने बोर्ड से की गुजारिश, टीम इंडिया की टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली। इसकी वजह उनका लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में लगातार खराब प्रदर्शन भी रहा। अब अपने इसी प्रदर्शन को सुधारने के लिए वो इंग्लिश काउंटी क्लब हैम्पशायर के लिए 4 दिवसीय मैच खेलना चाहते हैं। अजिंक्य रहाणे ने हैम्पशायर के लिए खेलने के संबंध में बीसीसीआई को ईमेल लिखकर इजाजत मांगी है। रहाणे ने अपना ईमेल बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी को भेजा है और जौहरी ने इसे प्रशासकों की समिति को फॉरवर्ड कर दिया है। खबरों के मुताबिक रहाणे को हैम्पशायर के लिए खेलने की इजाजत मिल सकती है। स्मिथ वार्नर की वापसी का क्रिस वोक्स ने किया स्वागत, इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की वापसी हुई है। बॉल टेम्परिंग में दोषी पाए जाने के बाद 1 साल का प्रतिबंध खत्म होने के बाद दोनों ही खिलाड़ियों को विश्व कप की टीम में जगह दी गई है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने स्मिथ वार्नर को विश्व कप टीम में जगह दिए जाने का समर्थन किया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने विश्व कप टीम में जगह दिए जाने का समर्थन करते हुए दोनों खिलाड़ियों की जमकर सराहना की है। वोक्स का कहना है कि अगर दोनों खिलाड़ियों को इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह न दी जाती तो यह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मूर्खतापूर्वक फैसला होता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।